हाँ तो ठीक है आंटी, फिर बुला ही लेते हैं आपको, रेडी रहिए आप। नहीं तो एक बात तो सुनो, मुझे हाँ धमकी दे, मुझे धमकी देने से अच्छा तुम मुझसे बात करो। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हेलो गाइस, दिस इज चीटोमैन एंड वेलकम बैक टू GTX प्रीत की तगड़ी वाली गंदी वाली गेंद फड़ाई। तो मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में पूरी रॉ रिकॉर्डिंग पड़ी है, लेकिन इसमें मैं जो जवाब उसे उस टाइम नहीं दे पाया क्योंकि मैं घर में नहीं था, वो पूरे जवाब दूंगा और इस पूरी रिकॉर्डिंग का ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगा। और फिर आप सोचना कि कोई आपकी मम्मी को ऐसे फ़ोन करके बोलता, ना करे भगवान कभी ऐसा हो, ठीक है, कोई आपकी मम्मी को ऐसे फ़ोन करके बोलता, उसे क्या धमकी माने, वार्तालाप माने, क्या माने, आप सोचना। मैं पूरी अभी ब्रेक डाउन करता हूँ और जो थोड़े से इस भोसड़ी वाले से जुड़े रहस्य हैं वो भी आप सबको दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज तो भैया गंदी गेंद फटने वाली है इस टट्टा प्रीत की। और अविकसित जो है ना ये ग्राफिक कार्ड, इसको विकसित करने का टाइम आ चुका है। तो मेरे भाइयों, ये वो स्क्रीन शॉट है जो इसने दिखा के बोला कि भैया मैंने इसको फोन करने बोला मेरे घर पे, तो भैया तू तो गंवार है भोसड़ी के, बिल्कुल चूतिया बिल्कुल, ठीक है, तेरे को तो डेट पढ़ने भी नहीं आती, सारे मैसेज तेने बीच के डिलीट मार दिया और ये दिखा रहा है ये सारे मैसेज मैंने डेस्परेट होके करे। तो भैया देखो, पहले तो डेट मार्च की है 3-4 महीने पहले की, दूसरी चीज जिसने सारे मैसेज डिलीट मार दिए, भोसड़ी का चुतता हरामी बनता है ना बेटे, तेरी सारी निकालता हूँ आज। तो जो भाई तूने सारे मैसेज डिलीट मारे ना, मैं दिखाता हूँ भाई, छोड़ भोसड़ी के, सुनिए देख सारे मैसेज। तो मेरे भैया गौर से ये वाला मैसेज देखो मेरी इस वाली बात के आगे, ठीक है, कि आप बोलोगे बढ़ता ही जा रहा है लेकिन एक सेकंड कॉल कर लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और जो इसने स्क्रीनशॉट दिखाया उसमें तो ये मैसेज है ही नहीं कहीं भी, कहाँ है मैसेज ये वाला बताओ, क्योंकि इसने ये मैसेज डिलीट मार दिया, क्योंकि इसने डिलीट इसलिए मार दिया क्योंकि अगर ये दिख जाता मैसेज तो पता चल जाता लोगों को कि मैंने इसको नंबर इसलिए नहीं दिया था कि मेरी माँ को फोन करके धमकी दे भोसड़ी के तू, इसलिए दिया था जब तूने बीबीजे ने हैक लगा के चीट लगा के मारा था उसके लिए सबूत इकट्ठे जब तू करवा रहा था मुझे सबूत दे रहा था उसके लिए नंबर दिया था भोसड़ी के बात करने के लिए तेरे से, ठीक है, इसलिए नहीं दिया था कि मेरी माँ को फोन करके धमकी दे तू। ओ सस्ती छकैन, ओए पकड़ा गया झूठ तेरा मरवाली है। और ये स्क्रीनशॉट भी 3 महीने पहले का है जब सबूत इकट्ठे कर रहा था बाबा जी के खिलाफ में इससे, ठीक है, इससे बात करना चाहता था, दोनों पार्टी की बात सुनना चाहता था, ठीक है। और अभी ये देखो ये साला जो स्क्रीनशॉट इसने दिखाया, इस तक में मेरी ईमानदारी साबित हो रही है, भैया मुझे रेट नहीं चाहिए शुरू से, भाई सब्सक्राइबर के लिए नहीं करता, पिछले वीडियो में भी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, जो बंदे बोल रहे ना अपनी माँ को यूज़ कर रहा है सब्सक्राइब, बहनचोद लानत है तुम पे, कसम से भाई लानत है तुम पे, पिछले वीडियो में सब्सक्राइब करने के बोला मैंने, ठीक है, बोला मैंने सब्सक्राइब करने के लिए, ये साला मेरे को 2-3 रेट का लालच देके अनसर्ड कुछ भी बुलवाना चाहता था, लेकिन मैं इससे फोन करके मेरे में क्या है पता है, मैं किसी से बात करता हूँ ना तो झूठ पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ये बंदा मेरे को 2-3 रेट का लालच देके झूठ बोल के कुछ भी बुलवाना चाह रहा था, मैंने कहा एक बार फोन पर बात करूंगा जब भी भैया सही रहेगा, अगर दिक्कत ना हो तो ये ले नंबर फोन कर लियो। अरे मेरी मेरे को क्या झूठा साबित करेगा भोसड़ी के भाई, जिसके साथ भगवान होता है ना और जो सच्चा होता है उसको तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तेरे सबूत तक में मेरी ईमानदारी दिख रही है कि भैया नहीं भाई रेट के लिए नहीं करता मैं, सब्सक्राइबर्स के लिए करता, बस जो अपने आप को एमुलेटर प्रोफेशनल बोलते हैं, जो बंदों के व्यूज खा रहे हैं असली बंदों के रियल गेमर्स के, उनकी लेता हूं, तेरे सबूत तक में मेरी ईमानदारी दिख रही है, मुझे क्या झूठा साबित करेगा तू। तो मेरे भाइयों इसका झूठ ये पकड़ा गया, इसने अपने पब्लिक को 3 महीने पहले के मैसेज, जिसमें मैं इससे सबूत के लिए बात कर रहा हूं ताकि मुझे पता चल जाए ये बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है उसके बारे में, जो कह रहा था 2-3 रेट लेके ऐसी ऐसी बातें अजीब अजीब सी बोलवाने बोल रहा था, मैंने नहीं बोली क्योंकि ये झूठ बोल रहा था साफ साफ, मैंने लालच नहीं लिया 2-3 रेट का वोट का, मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको ना जब था ना अब है, सच्चाई से मुझे मतलब है, सच्चाई में जो सपोर्ट करेगा वो अपने आप सब्सक्राइब कर देगा, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, इसका ये झूठ साबित हो गया, मैंने साबित कर दिया। और बात चल रही थी सबूत को और इसने दिखाया कि मैंने मम्मी को फोन करने बोला धमकी देने को बोला, क्या चूतिया बंदा है भाई, कितना झूठ बोल रहा है, सब झूठ इसका साबित हो गया, अपने मैसेज डिलीट कर करके पब्लिक को चूतिया बना रहा है, दिखा रहा है कुछ भी स्क्रीनशॉट मैंने साबित कर दिया, इसने मैसेज भी डिलीट करे भाई, सब इसका ये वाला झूठ साबित कर दिया स्क्रीनशॉट वाले मैटर में। अब आते हैं रिकॉर्डिंग पे। तो मेरे भाइयों इसका ये था कि मेरी मम्मी को इसने इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मैंने इससे बात नहीं करी थी वीडियो बनाने से पहले, या फिर मेरे किसी बंदे ने इससे बात करने की कोशिश नहीं करी, या तो फिर भोली से इसकी बात निपटाने की कोशिश नहीं करी, सुलह करवाने की कोशिश नहीं करी, ठीक है, इसलिए इसने मेरे घर पर उठा के बहन से फोन मिला दिया। तो बनाइए ना, मेरे से एक बार भी बात करी कि आपने ये सब किया है और बिना सब कुछ किए उसने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाया है, ठीक है। लेकिन अब आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें भैया हमने इससे कहा कि भैया बात कर ले, ठीक है, इससे कहा भैया बात कर ले, भोली से एक बार निपटा ले मैटर को, एक बार बात कर ले, बुरा लग रहा है उसको, अच्छा नहीं किया तूने उसके साथ। तो बंदे भोसड़ी का बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए, और बाद में जब मेरे घर पे एकदम मिलाने के लिए फोन टाइम है चुतिया पे, और इस चीज के लिए टाइम नहीं था कि एक बार सही से बातचीत होकर सुलह हो जाती, नहीं, लेकिन ये कैसे बात कर रही है, ये तो ज्यादा है, इसको तो उसके 3000 सब्सक्राइबर से भी दिक्कत
दिक्कत है कि उसे 3000 सब्सक्राइबर मिल गए, देखे स्क्रीनशॉट में, इसे तो मतलब किसी बंदे को बढ़ जाए कोई आगे, दिक्कत है ना, कोई सही बंदा आगे बढ़ जाए। अब इसने एकदम फोन मिला दिया जब इस पर टाइम नहीं था, देखो कितना चूतिया बना रहा है पब्लिक का, कितना झूठ बोल रहा है बंदों से कि मैंने बात करने की कोशिश नहीं करी। वोजे ने इससे मैसेज करने की बात करी, कहता है ना किसी बंदे का मैसेज आया ना कुछ आया बात करने के लिए, भाई देख बात करने की कोशिश करी, कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। ये देखो अच्छे से उस बंदे को इंसाफ मिल जाता, बात सुलट जाती, इसके लिए इस पे टाइम नहीं है। मेरे घर पे मेरी मम्मी को धमकी देने के लिए तुरंत टाइम है, इस पे तुरंत फोन नंबर निकाला और सब मेरी मम्मी को फोन करके धमकियां देती। तो भैया इसकी ये बात भी झूठ साबित हो गई कि हमने इसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी, इससे इसकी और बोली की बात सुलटवाने की हमने बात करी थी ताकि कोई वीडियो ना बने, अच्छे से बंदों के साथ इंसाफ हो जाए, भोली भाई के साथ इंसाफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बातें सुलट जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन इस भोसड़ी वाले ने क्या करा, टाइम नहीं है कहकर टाल दिया, 3000 सब्सक्राइबर से दिक्कत दिखा दी, अच्छा बंदा आगे बढ़ा दिक्कत दिखा दी, और अब मेरी मम्मी को फोन कर दिया कि भैया आपके लड़के ने तो बात ही करने की कोशिश नहीं करी, इसकी तो बात झूठी यहां साबित हो गई। मरवाली यहां भी अपनी टट्टे प्रीत तूने, यहाँ भी मरवाली झूठ बोल रहा है पब्लिक को कि तो हमने बात करने की कोशिश नहीं करी, हमने डायरेक्ट वीडियो बना दिया, हमने बात करने की कोशिश की तेरे से पर तेरे पास टाइम नहीं है अच्छे बंदे से बात करने के लिए, और दूसरों की मम्मियों को फोन करके धमकाने के लिए तेरे पास टाइम है, और मेरे घर पे फोन करके कहता है कि आपके लड़के ने बिना पूछे वूछे कुछ वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं करते भाई, पहले कोशिश करते सुलट जाए, लड़ाई लास्ट रिजॉर्ट होता है मेरे जिंदगी में, ठीक है। तो भैया इसको घर पे फोन करने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे साबित हो गया इसने सीधे सीधे धमकाने के लिए ताकि मैं वीडियो डिलीट कर दूं, इसलिए मेरे घर पे इसने फोन करा है। तो मेरे भाइयों आवाज है रिकॉर्डिंग के ब्रेकडाउन पे हुआ ऐसा, इसका फोन आया, इसने कहा मम्मी से यश से बात करनी है, मम्मी ने कहा भाई यश तो है नहीं, सब दोस्तों के आते हैं सबके आते हैं ना, ठीक है यश तो है नहीं, बोला कि यश बाहर गया हुआ है, तो बोलता है आपसे बात करनी। भाई बात तो वहीं खत्म हो गई जब यश बाहर गया हुआ है, मम्मी से क्या बात करनी है तुझे, ठीक है। तो मम्मी ने रिकॉर्डिंग चालू करी और ये रिकॉर्डिंग वहीं से स्टार्ट है, और मैं आपको बता दूं भाई मेरा और फैमिली का एक ही मोबाइल है यार। आंटी मैं यूट्यूब चलाता हूँ और मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं बे ओए टट्टे बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, तू यूट्यूब नहीं चलाता, तू एक छोटा सा कोठा चलाता है बेंचोत जिस पर चुतियाप्पा होता है सारे दिन, एक मोबाइल का गेम पीसी पे खेला जाता है, मोबाइल प्लेयर्स को मार के तो अपने आप को हीरो बनता है, नाम देता है एंटरटेनमेंट का भोसड़ी के, और टूर्नामेंट भी खेलता है फिर, ठीक है। तो भैया तू एक कोठा चलाता है छोटा सा, तू यूट्यूब नहीं चलाता। आंटी आपके बेटे ने मेरे अगेंस्ट बहुत हेट स्पीच वीडियो बनाई है, तो आप उससे बात करना, इसमें आंटी क्या करे। नहीं आंटी मैं पुलिस के डिस्केस करूंगा, इसीलिए मेरे को एक बार इन्फॉर्म करना जरूरी है। इस रिकॉर्डिंग से साफ पता चल रहा है ये बंदा फालतू में मेरी मम्मी को धमकी दे रहा है पुलिस केस की। मम्मी की क्या गलती है भाई, मम्मी जब बोल ली है, एक लेडी बोल ली है भाई तुझसे बात नहीं कर रही, उससे बात कर लेना वो आएगा, तो जबरदस्ती नहीं मैं आंटी पुलिस केस करूंगा, जब तुझसे बात ही नहीं कर रही तो आगे बात क्यों बढ़ा रहा है भाई तू। भाई तुझमें जॉब वॉब का है तेरा, तुझमें इतनी अकल नहीं है, एक लेडी मना कर रही है बात करने को, उसका लेना देना कहीं से कहीं तक नहीं है वीडियो में, और तू उसे पुलिस केस की धमकी दे रहा है, तू पुलिस केस करेगा बहन इस केस की धमकी मेरी मम्मी को बताने का, तो पुलिस वाला है क्या जो मेरी मम्मी के से फोन करके बोल रहा है वारंट है आपके लड़के के खिलाफ, क्या है तू नल्ले, क्या है तू, क्या बोल रहा है पुलिस केस करूंगा, कर ना जाके फिर, मम्मी को धमकी गाय की दे रहा है पुलिस केस की, क्यों परेशान कर रहा है, तबीयत खराब है उसकी। हेट स्पीच वीडियो बनाई है आंटी, गालियां दी है मुझे फुल एकदम, और मेरी सारी फोटोज वगैरह भी यूज करी है, मैं साइबर सेल में कंप्लेन करूंगा, उसे बोल दो वीडियो हटा दे या फिर मैं कंप्लेन करूंगा, नंबर मेरे पास है ही आपका, आप सभी लोगों को जयपुर आना पड़ेगा आंटी। अच्छा देख लिया क्यों धमकी दे रहा है, सच्चाई दिखाई मैंने, सच्चाई दिखाई इसके खिलाफ, इसके धंधे बंद हो रहे हैं, ये पब्लिक का चूतिया नहीं बना पा रहे, तो मेरी मम्मी को फोन करके धमकी दे रहे हैं, या तो वीडियो डिलीट करा दो या तो आपके खिलाफ सबके खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेन करूंगा, ये सुनो ठीक है। मैं आंटी मैच्योर बंदा हूँ, 28 साल का हूँ, मैरिड बंदा हूँ, और तू साले मैच्योर है, तू जैसे मैच्योर होने लग गए तो फिर रहन दो भैया, 28 साल का तू मैच्योर शादीशुदा आदमी है, जब ही तो साले नीच हरकतें करता फिरता है तू, बेकार की हरकतें लाइव स्ट्रीम पे और डीएम बीएम में पिछले वीडियो में दिखाया था, जाके देख लो, तू साले कुछ नहीं है, तू नल्ला है बिल्कुल। एक्चुअली आप ना उसी से संबंधित बात करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं आपका नंबर कहीं से ला सकता हूँ ना आंटी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप समझ सकते हो, मैं देखो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। क्या प्रॉब्लम दोगे बेटा? आंटी प्रॉब्लम कोई नहीं दूंगा आंटी, एक बात बताओ आप मेरी परमिशन के बिना मुझे गालियाँ दे लोगे क्या बिना वजह? तो आप उससे बातें करो ना, ये लोग तुम लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। वो लेडी इसको बेटा बेटा करके बोलिए, बेटा मैं क्या करूँ, आप उससे बात करना, मुझे इस बारे में नहीं पता, और ये बहनचोद भिड़े जा रहा है धमकी पे धमकी दिए जा रहा है मेरी माँ को, कह रहा है क्या कर सकता हूँ आपका, क्या करेगा मेरी मम्मी का तू, क्या करेगा यार, क्या करूँ यार मैं, कितना टॉर्चर करोगे, मेरे घर तक आ गए यार तुम। मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, फिलहाल कानून के दायरे में रहता हूँ, हर चीज पे रहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये नाम तो याद रखियो, जब तू बर्बादी पकड़ा होगा ना अपनी,
याद आएगा तुझे, क्योंकि बेटे ऊपर वाले की मार जब पड़ती है ना किसी की माँ से, तुम बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे हो बिना किसी वजह के। भाई जब वो बोल लिए नहीं पता उसको, तुम मुझसे बात करना, वो आने वाला है उससे बात कर लेना, बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहा है, आपका कुछ भी कर सकता हूँ, और आप ये क्या कर रही हो वो क्या कर रही हो, कितनी बदतमीज इंसान है। और कह रहा रिस्पेक्ट टू ऑल मर्डर्स, वीडियो में कुछ और होते हैं, लाइव स्ट्रीम पे कुछ और रहते हैं, असली जिंदगी में ये होते हैं ये। तूने मेरी माँ को जो दुख दिया है ना, तूने जो रुलाया तबीयत खराब में मेरी माँ को, साले हैं तू बचेगा नहीं भाई, तू बर्बाद होएगा, तेरा सब ये जो झूठ वूठ है तेरा सब पकड़ा जाएगा, तू बर्बाद होएगा भाई, और मैं ही करूंगा ठीक है। और दूसरी बात, मेरी मम्मी ने कमेंट्स पढ़े कि भाई केस वेस वाले केस कर दो इस पे, केस कर दो इस पे, मेरी माँ अभी भी ये बोल लिया, वो लेडी अभी भी ये बोल लिया, नहीं बेटे बच्चेदार है, पर्सनल नहीं लेना इस चीज को, पता नहीं क्या है क्या दिक्कत में था, ऐसी लेडी से तू साले बदतमीजी कर रहा है। और मेरे पास नंबर भी है, मैं बुलाना चाहूंगा आंटी, आप सबको जयपुर आना पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी, जयपुर में तो आने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमने घुमा दोगे और क्या करूंगा। हाँ तो ठीक है आंटी, फिर बुला ही लेते हैं आपको, रेडी रहिए आप। नहीं तो एक बात तो सुनो, मुझे धमकी दे, मुझे धमकी देने से अच्छा तुम उससे बात करो, वो ज्यादा धमकी दे रहा हूँ आंटी मैं आपको रिस्पेक्ट, आपने एक बार भी ये बोला कि ठीक है मैं उससे बात करके आपकी वीडियो बनवा दूंगी। अरे आने तो दो, तभी तो मैं क्या बात करूंगी, मैं उसको बताऊंगी कि भाई ये जो है कोई है उनका फोन आया है, तो तू भाई उनसे बात कर ले तेरी। अब तुम घर में फोन करोगे और बात बताओगे मुझे उसके, तो फिर मुझे क्या मालूम भाई। तू खत्म, तू खत्म होएगा बे, तू खत्म होएगा, और मैं नहीं, ये पब्लिक जो है ना सच्ची पब्लिक, वो भी तेरी हवा में उड़ाएगी साले तुझे, तू हवा में उड़ेगा बे, तू गया खत्म। तो मेरे भाइयों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से याद है नेक्स्ट वीडियो तो इसे असली हवा में उड़ाएगी बेटे, अभी एक हफ्ता कहा हुआ है, असली वीडियो तो एक हफ्ते बाद कही थी ना, तू तो हवा में उड़ेगा, तेरा सब कुछ हवा में उड़ेगा। तो भैया और ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना भाई, शेयर जरूर करना। तो मेरे भाइयों GTX प्रीत तो है अविकसित ये ग्राफिक कार्ड, लेकिन जो विकसित ग्राफिक कार्ड है हमें उसे सपोर्ट करना है, तो देखिए मैंने कहा भी था विकसित करूंगा, तो RTX नेड ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया गेम भी खेलता है, नेचर वाइज भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है, परेशानी में छोड़ने छाड़ने की बातें कर रहे हैं। भैया हमारा काम क्या है, हमारे माँ बाप को गाली दो, हमारे माँ बाप को फोन करके धमकियां दो, मेरे को कुछ भी कर दो, रियल लाइफ में आ जाओ, पर्सनली ले लो, मेरे को खत्म कर दो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, असली काम हम करते रहेंगे, असली हमारा काम है रियल गेमर्स को सपोर्ट करना भाई, ठीक है, वो हम करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो, हमें दूसरों के सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देख के दिक्कत नहीं होती, हमें खुशी होती है जब रियल गेमर्स के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो भाई हमें मदद करनी चाहिए, इनका कंटेंट चेकआउट कीजिए, अच्छा लगे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करना यार।